आटे दाल का वैभव भाव पता लगने वाला है कुछ दिनों में, कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान का गला सूख जाएगा। इनको यह नहीं पता लगेगा कि वहां पे तालिबान से डील कर रहे हैं, जिनको कहते थे हमारे मुसलमान भाई हैं, वो ही पकड़ पकड़ के इनको ठोकेंगे। यहाँ पर बड़ा वेलकम किया जा रहा है तालिबान की गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली। लोगों को तो खैर हमेशा से कंफ्यूज किस्म के लोग हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिनिस्टर्स बार बार तारीफें कर रहे हैं तालिबान की, बार बार वेलकम कर रहे हैं, और क्वेटा और आपको KPK में उनका कुछ जलसा जलूस और फ्लैग्स तक नजर आ चुके हैं, तो क्या होता हुआ दिख रहा है? अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मतलब उसका कोई एक हतमी जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमें उसको समझने की जरूरत जरूर है। क्योंकि देखें, एक बात तो ये कि जो जो ढोल पीटे जा रहे हैं और जश्न मनाए जा रहे हैं, ये तो इसलिए है कि सोचा ये समझा जा रहा है कि अब तालिबान की मुकम्मल एब्सोल्यूट पावर के साथ वहां पे हुकूमत होगी, और जब वहां पे तालिबान की हुकूमत होगी तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली हमारा वहां पे मुकम्मल इख्तियार होगा। यानी कि वो अफगानिस्तान जो कि हमसे हमारे हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, हमसे मुराद पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और जो भी उनके रियासती इदारे हैं, अब वो समझते हैं कि दोबारा से हम उस खित्ते पे हावी होने जा रहे हैं। ये एक सोच है और ये सोच जो है कुछ हलकों में इसकी उम्मीद की जा रही है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तालिबान ने अचानक से ये अपना एग्रेशन क्यों बढ़ाया, ये सोचने की बात है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में हो रहा है और जो हमने वहां पे बीज बोए थे, आज वो उसका साम्राज्य जो है वो काट रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत, और आने वाले दिनों में ये और खौफनाक सूरत हाल होने वाली है। इससे सिर्फ अफगानिस्तान में ही तबाही नहीं मचेगी बल्कि ये लोग पाकिस्तान को भी नहीं बख्शेंगे। ये जितने भी ये लाहौरिये है ना, जसूस हैं ये, है ना, ये जितने भी लुडियां पाते हैं, बंगड़े पाते हैं ना, 3 मिलियन डूब गई, 3 बिलियन डूब गई, ये सब इनको अभी आटे दाल का वैभव भाव पता लगने वाला है कुछ दिनों में। वैभव, ये जो ड्यूरेंट लाइन की हम बात करते हैं, एट द कोर ऑफ द ड्यूरेंट लाइन इशू इज पश्तून नेशनलिज्म। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था पेशावर में, सहाफी हैं, सो ही टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि मेजर साहब, पश्तून फॉर 5000 ईयर्स, राइट, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स एंड पाकिस्तानी फॉर 74 ईयर्स। तो मैंने बोला ये तो नवाबजादा अकबर बुख्ती साहब का कोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो बलोचों के लिए कहते थे। कहता हमारे लिए क्या गलत है कोर्ट, इट इज ट्रू फॉर अस ऑल्सो। एंड पश्तून नेशनलिज्म लाइक बलोच नेशनलिज्म इज अलाइव। अब आप इसके ना, इसके दो एक्सट्रीम पहलू हैं। एक पहलू है मुल्ला उमर वाला थॉट प्रोसेस, तालिबान औरतें नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं, पत्थर से मार दिया जाएगा, स्टोनिंग टू डेथ, हाथ काट दिए जाएंगे, टिपिकल इस्लामिक शरिया लॉ, एक वो है। दूसरी उसकी सूरत है जो लोग थोड़े से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, दे आर ऑल्सो पश्तून नेशनलिस्ट्स। उसमें आपके यू नो सेक्युलर उनको बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मोहसिन दावा टाइप के, अली वजीर टाइप के, मंजूर पश्तून ना, NP टाइप, यस। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वैभव, और ये कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। 3 से लेकर 6 महीने में देख लेना पूरे पाकिस्तान को जुकाम लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने कभी समझा नहीं। हर समय अपनी अपनी हाइट से, अपने कद से ऊपर बात करने की कोशिश करी। जिसको ये सबसे बड़ा अपना एसेट समझते थे ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे बड़ा एसेट समझते थे, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सबसे बड़ी लायबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और करो स्ट्रेटेजिक डेप्थ करनी अफगानिस्तान में करो। अरे दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान, जिसको ये अपना एसेट समझते हैं कि तालिबान आ गए तो वो भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान, तो भी मुसलमान। ये जो पाकिस्तान नॉर्मल ड्रामा करता है, लाहौरी एंकर चिल्लाते हैं, वो तो रिकॉग्नाइज नहीं करते तुम्हारी सॉवरेनिटी। वो तो कहते हैं मरगला हिल्स का एरिया जो है, वो मरी मरगला हिल्स वाला एरिया, वो सब ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट है। वो लोग तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, दे से दैट, एंड
तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला कि वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीबडी इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। भागो यहां से। देखो 20 साल गुफा में रहे हैं तालिबान, ठीक है, अब उन्होंने थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी सीख ली है, उन्होंने थोड़ी सी बातचीत भी सीख ली है, और 20 सालों में वैभव तालिबान को यह पता लग गया है कि दुनिया काम कैसे करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े सेक्युलर बन गए तालिबान और यू नो लिबरल बन गए हैं और वुमेन्स एजुकेशन एंड गे राइट्स, ये सब ये कभी नहीं होगा। माइंडसेट देखो, कोर तो वही रहता है ना आदमी का, थोड़ा सा कोर कभी चेंज नहीं होता, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बट कोर रिमेन्स द सेम। तालिबान का कोर वही है, लेकिन 20 साल में तालिबान देखो, कतर भी घूमा, ये दुबई में भी मुजाकरात करके आ गए, NSA अजीत डोवाल के साथ भी बैठ गए, ये जयशंकर साहब के साथ भी बैठ गए, ये अमेरिकन के साथ भी बैठ गए, तो इनका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा खुला है। अब ये वो तालिबान नहीं है मुल्ला उमर वाले जो टोरा बोरा के गुफाओं में घूमते थे, अब ये मर्सिडीज रोल्स रॉयस में चलने वाले तालिबान है। ये तालिबान वो है जिसको वर्ल्ड पावर के बारे में थोड़ी सी सूंघ लग गई है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हां, अब जो अफगानिस्तान में डील होगी ना, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा से होगा। ये इनको हर समय अपने बारे में गलतफहमी है। देखिए, से उसका होता है जिसकी जेब में पैसा होता है और जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, ना इनकी क्रेडिबिलिटी है ना इनके पास पैसा है। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, राइट? चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। चाइना को क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान की? क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान की? शुरू शुरू में पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स, राइट? पाकिस्तान के पुराने जो फौजी हैं, रिटायर्ड वेटरन्स, उनको ले लेंगे, पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प ले लेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, फिर पाकिस्तानियों को फेंक देंगे बाहर और पाकिस्तानियों से बोलेंगे कि तुम हमारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करो, क्योंकि चाइना अपनी फौज नहीं भेजेगा। एक बात ध्यान रखना वैभव, चाइना जो नेवल पावर है अपना, वो चाहे हनुमान टोटा पोर्ट भेज दे, ग्वादर भेज दे, बूट्स ऑन द ग्राउंड चाइना नहीं करेगा। चाइना इज वेरी स्मार्ट, इनकी तरह बेवकूफ नहीं है कि किसी ने $5 फेंके और ये चलेगा अपना हथियार लेके मुजाहिद बनने के लिए। हर जगह पहुंच जाते हैं ना ये लड़ाई लड़ने के लिए, कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये नौटंकी इकबाल की कोट करते रहते हैं ड्रामा। चाइना इज वेरी स्मार्ट, चाइना बोलेगा हम आएंगे वहां पे, हम आएंगे अफगानिस्तान में, हम पैसा लगाएंगे, हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वहां पे आएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करेंगे। हो सकता है चाइना ऐसा करे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या उनको राहदारी चाहिए पाकिस्तान से? नहीं चाहिए, चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उनको चाहिए क्या? थोड़ा सा मेल मिलाप, $4-5 billion लो, तुम भागो यहां से, चाइना खुद संभालेगा। और इनको बोलेंगे कि तुम अपनी फौज इस्तेमाल करो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और आखिरी चीज, हमारे भाई साहब बुजुर्ग हमारे मुबशर रुकमान, जय हो प्रभु, प्रभु ने क्या बोला अपने एक व्लॉग में, उनको पता नहीं आकाशवाणी आती है कहीं को, फरिश्ते उनके कान में फुसफुसाते हैं, उनका एक A+ कोई सोर्स है यार, पता नहीं कौन है ये प्लस सोर्स उनका। थोड़ा लव फ्रॉम फवाद चौधरी भी चलता है उनका। उनके A+ सोर्स ने, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ A+ सोर्स, उनका एक A+ सोर्स है, मुबशर लुकमान साहब ने ये बोला है कि मुझे मेरे A+ सोर्स ने बताया है, जैसे बोलते हैं ना सर ऐसे ऐसे करके, कि साहब इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। ये इंडिया को नहीं पता, ये अमेरिका को नहीं पता, ये मुबशर लुकमान को पता है, ठीक है। मैंने बोला लाहौरिया ऐसी हैं, ये इनकी डील हो गई है। क्या डील हुई है? कि अमेरिका इंडिया को हर साल $15 billion देगा और इंडिया 1.5 लाख फौजी, कितने 1.5 लाख फौजी अफगानिस्तान में डालेगा। ये डील हो गई है, ये इनके A+ सोर्स ने बताया। मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, ये कौन है आपका सोर्स? पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही आप लोगों ने गुरेज कर दिया, मतलब हाथ पर धो लिया आपने कि पढ़ना लिखना ही नहीं है। देखिए, $15 billion का फिगर पाकिस्तानियों के लिए ऐसा है जैसे खुदा ऊपर से आ गया हो जन्नत से नीचे, ये सजदा वजदा करने लगेंगे। $15 billion हमारे लिए $15 billion बड़ा नहीं है, ठीक है, इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है, ठीक है, इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है।